अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। कसरावद में 3 घंटे चली अतिक्रमण की कार्रवाई, एसडीएम व सीएमओ की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से हटाए इंदौर रोड का अतिक्रमण। शुक्रवार को खरगोन जिले के कसरावत नगर में एसडीएम की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जेसीबी मशीन की सहायता से करीब 3 घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अन्य कई दुकानदारों को भी अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम व नगर परिषद प्रशासक संगप्रिय सहित सीएमओ संजय रावल की उपस्थिति में कसरावत नगर के इंदौर खरगोन मुख्य मार्ग पर जेसीबी मशीन की सहायता से करीब 3 घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी के द्वारा दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को हटाया गया। सीएमओ संजय रावल ने बताया कि इंदौर खरगोन मुख्य मार्ग सहित मंडलेश्वर रोड पर कई दुकानदारों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानों के बाहर टीन शेड लगा रखे थे। बार बार समझाइश के बाद भी दुकान मालिक अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान उक्त कार्रवाई को देख गया कि दुकानदारों ने सड़क किनारे रखा सामान उठाया तो वहीं परिषद की टीम के द्वारा भी सामान जब्त किया गया। कार्रवाई की गई है। साथ ही मंडलेश्वर रोड व खरगोन रोड के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश दी गई। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम सहित पुलिस प्रशासन उपस्थित था। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी जो माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उसमें निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के तारतम्य में कसरावत शहर में आज नगर परिषद के सहयोग से, राजस्व की टीम के सहयोग से, पुलिस विभाग के सहयोग से जो सड़क किनारे के जो अतिक्रमण हैं, जिसमें से जो शेड आगे बढ़ाता है बढ़ाकर लगाए गए हैं, जो ठेले अव्यवस्थित रूप से लगते हैं, जो बस लगती हैं, जो अस्थायी अन्य अतिक्रमण जो लगाए गए हैं, उन सबको हटाने की कार्रवाई की गई है ताकि अपना शहर स्वच्छ बन सके, सुरक्षित हो और एक यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सर बाकी जगह और रह गया है तो उस पर भी चलाई जाएगी? यह मुहिम लगातार चलाई जाएगी। इसमें नगर पालिका द्वारा टीम का गठन किया गया है। इसमें साप्ताहिक रूप से टीम भ्रमण कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से करेगी। कुछ दुकानदारों का कहना था सर कि एक मौका देना था हटाने के लिए, अगर सूचना के समय पर पूर्व में जैसा कि आपने भी देखा होगा चूना लाइन भी डाली गई थी और पूर्व में हमारे द्वारा भी टीम के द्वारा भी समय समय पर भ्रमण कर जो एक परिधि में सामान सामग्री है या शेड है उन सबको रखने की चेतावनी और बार बार मुनादी कराई जाती है, परंतु ये अंतिम विकल्प के रूप में यह कार्रवाई मजबूरन करनी पड़ी है। इसमें आपके माध्यम से भविष्य में सभी नागरिकों से अपील है कि जो एक जो नियम है उसका पालन करके जो रास्ते को बाधित ना करते हुए नियमानुसार अपने सामग्री का सामग्री रख कर नियमानुसार ही विक्रय करें। डीजीएन न्यूज़ ने मार्ट रिपोर्ट कसरावत।